हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मैनिफेस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों, दो दिन पहले 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया का त्योहार था। आई एम श्योर हम में से काफी लोगों ने गोल्ड खरीदा होगा अपने ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे कि किसी ज्वेलरी शॉप में जाके या किसी ज्वेलर्स के पास जाके, या तो हमने किसी कोई गोल्ड कॉइन खरीदे होंगे या तो कोई ज्वेलरी खरीदी होगी। लेकिन हम में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो देश में कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके चलते फिजिकली जाके गोल्ड नहीं खरीद पाए होंगे। तो ऐसे में एक कंसेप्ट है दोस्तों डिजिटल गोल्ड का, जहां पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए एक ऐप के थ्रू डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। आप में से कितने लोग ये कंसेप्ट जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए, और अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन डिजिटल गोल्ड परचेस किया तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैनल है तो हम गोल्ड के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट और गोल्ड का एक बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है। आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा तो जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो लोग भी जब स्टॉक मार्केट बूम होता है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तब वो अपना गोल्ड से इन्वेस्टमेंट निकाल के स्टॉक मार्केट की तरफ रुख करते हैं। और इसके बदले में क्या होता है, गोल्ड गोल्ड में डिमांड कम हो जाती है और स्टॉक गोल्ड के प्राइसेस गिरने लगते हैं। और उसी तरह जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है या उसको उसमें अच्छी खासी गिरावट होने लगती है, तब वही लोग गोल्ड अपना जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में उसको निकाल के गोल्ड की तरफ रुख करते हैं। तब वहां पे गोल्ड में डिमांड बढ़ने लगती है और गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, तो ये आपने अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो अभी से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ये एक बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है। इसके अलावा भी गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप जिसकी मदद से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर गोल्ड की मदद से आप हेजिंग भी कर सकते हो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी डिस्कस करना। लेकिन अभी भी ये सवाल उठता है कि डिजिटल गोल्ड एक्चुअली है क्या, होता क्या है और कैसे इसको खरीदा जाता है। आइए इसको डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में कि डिजिटल गोल्ड एक्चुअली होता क्या है, क्यों हमें डिजिटल गोल्ड की जरूरत है और क्या ऐसे डिसएडवांटेजेस है फिजिकल गोल्ड के जिसकी वजह से ये डिजिटल गोल्ड का कंसेप्ट आया है, और क्या ऐसे एडवांटेजेस है डिजिटल गोल्ड के, और डिजिटल गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड उसमें हमें कौन सा चुनना चाहिए, कौन सा बेहतर है और कैसे चुने इसको, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके अलावा क्या हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके उससे इनकम, रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं या फिर उसमें भी टैक्स बचा सकते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड तक, स्किप करके ना देखिएगा वरना आप कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस कर देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखोगे दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों डिजिटल गोल्ड एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, इंडिया जो है डिजिटल एरा से गुजर रहा है, जहां हम पैसे भी ट्रांसफर करते हैं तो वो डिजिटली ट्रांसफर करते हैं, फिजिकली बैंक में जाके नहीं करते। आज की तारीख में किसी को पैसे ट्रांसफर करना है तो हम पेटीएम, गूगल पे या फोन पे के थ्रू करते हैं। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जहां हम बैंक में जाना पड़ता है हमें फिजिकली पैसे विड्रॉ करने के लिए या पैसे डिपॉजिट करने के लिए। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी कुछ साल पहले तक ऐसा था कि जो भी आप स्टॉक खरीदोगे उसका आपको एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता था जिसे आपको संभाल के रखना होता था। लेकिन आज की तारीख में वो भी डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपके डीमेट अकाउंट में सेव हो जाता है, कोई आपको फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जो भी आप स्टॉक्स परचेस करते हो वो आपको डिजिटली करना होता है और आपके डीमेट अकाउंट में उसका सेव होता है डिजिटल फॉर्म में। उसी तरह गोल्ड भी आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से किसी ऐप के जरिए डिजिटल गोल्ड परचेस कर सकते हो। और जो भी आप ये डिजिटल गोल्ड परचेस करोगे इसकी कोई आपको डिलीवरी नहीं मिलती है, ये आपके डीमेट अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में सेव हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे डिजिटल गोल्ड खरीदने पे उसकी डिलीवरी मिलने ही नहीं वाली है तो फिर इस डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा, ये तो बेकार चीज है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ फिजिकल डिलीवरी ना मिलने के कारण डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है या फिर बेकार चीज नहीं है। आपको इस डिजिटल गोल्ड के एडवांटेजेस समझने होंगे, और डिजिटल गोल्ड के एडवांटेजेस समझने के लिए आपको फिजिकल गोल्ड क्या होता है उसके रिलेटेड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो समझने पड़ेंगे, तभी आपको डिजिटल गोल्ड की वैल्यू समझ में आएगी और उसके एडवांटेजेस समझ में आएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं और आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ अच्छे बुक्स को शॉर्टलिस्ट किया है और उसके नाम
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है दोस्तों, और आप उसी लिंक के थ्रू चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों फिजिकल गोल्ड वो होता है जो आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाके या फिर किसी ज्वेलर्स के पास जाके खरीदते हैं, फिर चाहे वो ज्वेलरी के फॉर्म में हो या फिर गोल्ड कॉइन के फॉर्म में हो। दोस्तों इसको हम सालों साल अपने घर में रखते हैं, घर की तिजोरी में या फिर बैंक के लॉकर में, लेकिन इसके कई डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनको भी समझते हैं। फिजिकल गोल्ड के डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज है सेफ्टी। जब भी हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो दोस्तों ये हमेशा हेडेक रहता है कि उसे संभाल के रखना है, कहीं वो चोरी ना हो जाए या कहीं घूम ना जाए, तो ये रिस्क हमेशा रहता है, ये डर हमेशा रहता है। इसके अलावा जब भी हम खरीदने जाए सोना या फिर बेचने जाए तो ये क्वालिटी इश्यू का हमें हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि खरीदने जाएंगे तभी भी ज्वेलर्स कितना कितना हमको प्योर सोना दे रहा है, और हमारे पास अगर कोई सोना पड़ा है हम उसे बेचने जा रहे हैं तभी भी वो क्वालिटी इश्यू आता है, उसके कारण वो कम पैसा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही होता है इसमें दोस्तों। इसके अलावा जब भी आप मार्केट में सोना खरीदने जाते हो तो वो आपको गोल्ड का जो मार्केट में रेट चल रहा होता है उससे महंगा ही मिलता है 10 से 15%, क्योंकि वो उसमें आपको मेकिंग चार्जेस भी लगाते हैं, तो 10 से 15% आपको उसमें महंगा मिलता है। इसके अलावा जितना ज्यादा समय के लिए आप अपना गोल्ड रखोगे या ज्वेलरी रखोगे तो वो डल हो जाता है, तो दोस्तों उसे पॉलिश कराना होता है, तो वो एक एडिशनल चार्जेस आपको उसके साथ आ जाता है, वो आपको बेयर करना ही पड़ता है। अब ये सिचुएशन सोचिए कि आपको कहीं फंक्शन में जाना है और आपने गोल्ड निकाला अपने तिजोरी से और आपने देखा कि ये तो डिजाइन काफी पुराना हो गया है, मुझे इसे नया बनवा लेना चाहिए, तो जब भी आप उसी गोल्ड को रीयूज करके नया बनवाने जाओगे तो आपको दोबारा मेल्टिंग चार्ज देना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा जब भी आप गोल्ड परचेज करते हो तो गोल्ड के कॉस्ट पे आपको 3% जीएसटी भी चार्ज लगता है दोस्तों, और आप फिजिकल गोल्ड चाहे घर में कितना भी रखिए उसके ऊपर आपको कोई इनकम जनरेट नहीं होती दोस्तों। आपको उसका फायदा तभी मिलेगा जब आप उसको, जब गोल्ड का प्राइस ज्यादा होगा आप उसे हायर प्राइस में आप उसे सेल कर दोगे तभी आपको उसको प्रॉफिट होगा, वरना आपको उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी दोस्तों। फिजिकल गोल्ड के इन्हीं डिसएडवांटेजेस को देखते हुए डिजिटल गोल्ड का कंसेप्ट लाया गया है, आइए उस कंसेप्ट को समझते हैं और समझते हैं कि क्या एडवांटेजेस है डिजिटल गोल्ड में। डिजिटल गोल्ड में सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों आपको है सेफ्टी का, क्योंकि आप कोई फिजिकल डिलीवरी ले नहीं रहे हो गोल्ड की, तो आपको ये टेंशन नहीं या है ये हेडेक नहीं रहेगी कि आपका गोल्ड घूम जाएगा या आपको संभाल के रखना होगा या चोरी हो जाएगा। ये हेडेक ये टेंशन उस कंपनी की है जो आपको गोल्ड इश्यू कर रहा है डिजिटल गोल्ड, वो अपने वॉल्ट में इसे संभाल के रखेगा और उनका वॉल्ट कम्प्लीटली इंश्योर्ड होता है, तो वहां चाहे आग लग जाए, चोरी हो जाए या घूम जाए, आपकी हेडेक नहीं है दोस्तों। इसके अलावा क्वालिटी इश्यू जो आपको फिजिकल गोल्ड में आती है वो डिजिटल गोल्ड में नहीं आएगी, क्योंकि डिजिटल गोल्ड जो है 99.9% प्योरिटी के साथ आता है और ये गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड कुछ कंपनीज है वही करती है, वही सेल करती है। इसके अलावा आपको जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, जैसे कि फिजिकल गोल्ड में आप मेकिंग चार्जेस पे करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप कोई डिलीवरी ले नहीं रहे हो या कोई ज्वेलरी नहीं बना रहे हो तो आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने होंगे, आपको सेम एज मार्केट प्राइस आपको इजीली मिल जाएगा दोस्तों, तो वहां भी आपका पैसा बच जाएगा। इसके अलावा क्योंकि आप कोई डिलीवरी ले नहीं रहे हो तो कोई पॉलिशिंग चार्ज का जरूरत नहीं पड़ेगा या आपको दोबारा मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये दोनों चार्जेस इसमें बच जाएंगे आपके। इसके अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों यही है, आप फिजिकल गोल्ड जब खरीदने जाते हो तो आपको मिनिमम 1 ग्राम खरीदना पड़ता है, तो गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से अगर आप समझे फॉर एग्जाम्पल 5,000 का 1 ग्राम आता है, तो जब तक आपके पास 5,000 रुपए नहीं जमा होंगे तब तक आप 1 ग्राम गोल्ड खरीद नहीं पाओगे। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल गोल्ड में आप 1 रुपए से भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे आप 1 रुपए इन्वेस्ट करें, 50 रुपए इन्वेस्ट करें या 100 रुपए इन्वेस्ट करें, इसमें कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आप जितना चाहे उतना रुपया लगा के डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसी इसी कारण ये ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है, उसी कारण ज्यादा इसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है दोस्तों। इसके अलावा आपको फिजिकल गोल्ड खरीदते वक्त 3% जीएसटी देना होता है, ये चीज आपको डिजिटल गोल्ड में भी देना होगा, और डिजिटल गोल्ड खरीदने पे भी इस पे आपको कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, जब तक आप उसे बेचोगे नहीं हायर प्राइस में तब तक आपको कोई उससे इनकम जनरेट नहीं होगी। तो ये लास्ट जो पॉइंट है ये दोनों कॉमन है फिजिकल गोल्ड के लिए भी और डिजिटल गोल्ड के लिए भी। तो दोस्तों जैसे हमने फिजिकल गोल्ड में 7 डिसएडवांटेजेस देखे थे, उसके सामने डिजिटल गोल्ड में हमें कम से कम 5 एडवांटेजेस दिख रहे दोस्तों, हालांकि ये 5 बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस है, इसके बावजूद 2 डिसएडवांटेजेस अभी भी है जो फिजिकल गोल्ड में भी थे और डिजिटल गोल्ड में भी थे दोस्तों, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों अभी हमने देखा कि कैसे फिजिकल गोल्ड से ज्यादा डिजिटल गोल्ड में ज्यादा एडवांटेजेस हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि मैं डिजिटल गोल्ड कैसे खरीदूं और कहाँ खरीदूं, तो आइए इसको भी समझते हैं। दोस्तों डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को लाइसेंस दिए हुए हैं कि वो डिजिटल गोल्ड बेच सकते हैं, इशू कर सकते हैं। उनमें से कुछ कंपनी है जैसे कि MFTC, सेफ गोल्ड, ऑगमंट, इसके अलावा भी कुछ और कंपनीज है जिन्हें गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है ताकि वो ऑफिशियली डिजिटल गोल्ड बेच सके। दोस्तों ये जो कंपनी है ये एक मार्केट में एप्स लॉन्च करती है और उस एप्स के जरिए ये कस्टमर्स को डिजिटल गोल्ड बेचने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है दोस्तों। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या आप हर चीज के लिए एक ऐप डाउनलोड करोगे? स्टॉक मार्केट के लिए एक ऐप, म्यूचुअल फंड के लिए एक ऐप और डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए एक और ऐप। तो इसी का मैं आपको एक आसान सोल्यूशन देना चाहता हूँ दोस्तों। आप अपस्टॉक्स पे डीमैट अकाउंट ओपन करिए, क्योंकि आप मैं उम्मीद करता हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या नहीं भी कर रहे हो तो आप इसमें कर सकते हो और हमारे चैनल से सीख सकते हो दोस्तों। क्योंकि अपस्टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और डिजिटल गोल्ड, ये तीनों चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। इसका कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है, जीरो ब्रोकरेजेस है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इसके अलावा एक और खास बात है इसमें दोस्तों, अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट ओपन करने पे आपको 51 रुपीज का डिजिटल गोल्ड फ्री मिलता है। ये आपको अपस्टॉक्स की तरफ से मिलता है दोस्तों। और अगर आपको अपस्टॉक्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो दोस्तों। कल ही मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी इंटरफेस है और बहुत ही एक्साइटिंग इंटरफेस है और बहुत ही अच्छा कंपनी है, टाटा के द्वारा बैक किया हुआ कंपनी है दोस्तों। आप जरूर इसमें डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन कि मैंने अपस्टॉक्स आपको क्यों रेकमेंड किया दोस्तों, जो तीन लाइसेंस कंपनी का नाम मैंने ऊपर आपको मेंशन किया है, MMT, सेफगोल्ड और ऑगमंट, अपस्टॉक्स और ऑगमंट का दोस्तों एक टाइप है। उस टाइप के जरिए अपस्टॉक्स के कस्टमर डायरेक्टली ऑगमंट के थ्रू डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं दोस्तों। ये उनका एक इंटरनल टाइप है। तो आप अगर अपस्टॉक्स के थ्रू डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप ऑगमंट के थ्रू ही डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अपस्टॉक्स का आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अभी हमने फिजिकल गोल्ड क्या होता है समझ लिया, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमको पता चल गए, डिजिटल गोल्ड के कितने एडवांटेजेस हैं फिजिकल गोल्ड के ऊपर वो अभी हमने समझ लिया। तो दोस्तों अब हमको कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बेटर है? दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप ज्वेलरी को पहनना चाहते हैं, रेगुलरली यूज करना चाहते हैं तो आप फिजिकल गोल्ड खरीदें। लेकिन अगर आपकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको रेगुलर बेसिस पे पहनना है फिजिकल गोल्ड, तो फिर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके एडवांटेजेस ज्यादा है दोस्तों। तो आपको ये अपने अपने चॉइस के हिसाब से आपको ये चीज डिसाइड करनी है दोस्तों। जितना आपको जरूरत है उतना ही फिजिकल गोल्ड खरीदिए, बाकी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, आपके काफी पैसे बचेंगे। एक बात और आती है दोस्तों टैक्सेशन के मामले में, चाहे आप फिजिकल गोल्ड खरीदे या फिर डिजिटल गोल्ड, दोनों में ही जब बेचेंगे आप और जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो वो कैपिटल गेन गिना जाएगा। तो डिपेंड करेगा कितने साल के लिए आपने उसे होल्ड किया था। अगर आपने जल्दी लेके जल्दी बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपने रखा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा दोस्तों। इसमें भी स्टॉक मार्केट की जैसे कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन इसका कैपिटल गेन टैक्स का ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, कितना ड्यूरेशन को शॉर्ट टर्म गिना जाएगा, कितने ड्यूरेशन को लॉन्ग टर्म गिना जाएगा, और उसका टैक्स रेट स्टॉक मार्केट से बिल्कुल अलग है दोस्तों। उसके लिए आपको अपने CA से कॉन्टेक्ट करना होगा, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली अलग टॉपिक है दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड, ये दोनों गोल्ड में कुछ अभी भी कमियां हैं दोस्तों। चाहे आप फिजिकल गोल्ड खरीदे या फिर आप डिजिटल गोल्ड खरीदे, दोनों में ही आपको खरीदते वक्त 3% GST लगता है गोल्ड के कॉस्ट पे। और दोनों ही गोल्ड आप चाहे फिजिकल फॉर्म में रखें या डिजिटल फॉर्म में रखें, उससे आपकी कोई इनकम जनरेट नहीं होती दोस्तों। तो क्या कोई ऐसा तरीका है या क्या कोई ऐसा गोल्ड में करने के लिए इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है जिससे हमको ये 3% GST से भी हम बच सके और हमको बैठे बैठे इनकम भी जनरेट कर सके, हम गोल्ड रखने पर हमको इनकम मिले, एक रेगुलर इनकम जनरेट हो? तो हाँ दोस्तों बिल्कुल, उसका भी एक इलाज है और उसका इलाज उसे हम कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। दोस्तों ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें आपको आपको ये 3% GST से भी आप बच सकते हो और आपको एक रेगुलर इनकम भी देगा दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट दिखेगी। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने 1 मिनट में समझाने की कोशिश की, आपको उन्हें ज़रूर देखना चाहिए।
एंजॉय करना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूंगा दोस्तों। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने मिला होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक करें दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम यहाँ पे इस चैनल पर स्टॉक मार्केट के बारे में बिगनर्स को सिखाना चाहते हैं दोस्तों।